चेहरा ढका हुआ है, अभी हम देखे आपका चेहरा ढका हुआ, इस वजह नहीं पहचाना। चेहरा तो ढका ही है, चेहरा ढका रखा है हमने, बताना नहीं। और भैया कैसे हो, कैसा चल रहा है? अच्छा एक सुनो भैया, क्या नाम है? क्या नाम? सोनू। सोनू? अरे मोनू तो वहाँ मिले, सोनू यहाँ मिल गए। अरे यार ये सोनू मोनू चक्कर जो है पूरे हर शहर में होता है, तो तुम सोनू हो? जी। ये जिला कौन हो गया? एटा। हाँ। अच्छा एटा भर का मास्क और लपेटा तुम ही लपेटे हो? नहीं। देख रहे हैं लपेटा ही हुआ है। नहीं तो अच्छा है, बढ़िया तो है, अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा ना। नहीं बिल्कुल चलना है। चाय? अरे चाय ना पिलाइए सुरेंद्र जी, बहुत अच्छी करते हैं आप, बहुत अच्छी करते हैं। बहस तो अच्छी करते हैं सुरेंद्र जी, लेकिन आप लोग जो हैं कोरोना वॉरियर हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं पूरे इस समय में। अपना ख्याल रखिएगा। मास्क वास्क दें आपको? नहीं है। पक्का? चाय ऐसा लौट के पिएंगे अगर जुला पिएंगे। कहाँ गए? आओ यहाँ आओ, चलो शहर दिखाओ अपना। चलो चलो आओ। क्या नाम हो गया? सोनू। सोनू के साथ चलेंगे आज, कहाँ? एटा। अब मोनू को भी ले लेते हैं। आओ मोनू, मोनू भैया हैं साथ में? आप सही में मोनू हैं? चलो आओ सोनू मोनू। तो पाजी ये जो सोनू और ये जो मोनू, ये दोनों लोगों के साथ एटा का जो यात्रा है वो करते हैं। आओ भाई, आओ सोनू आओ। तो एटा में तुम्हारे क्या क्या चल रहा है? भैया बताएं। मोनू एटा में आपको दिखाई दे रहा है इस तरह से, ये लॉकडाउन का थोड़ा सा सही हिसाब नहीं चल रहा है, आप देखिए। सोनू तो दमदार है, मोनू हल्का हल्का बोल रहे, क्या बात भैया जी, कहें पहचान लिया मैंने आपका धारावाहिक देखता हूँ। धारावाहिक मतलब आपका शो देखता हूँ। हमारा धारावाहिक आ रहा है? धारावाहिक मजा आ रहा है तुमको? है नहीं, नहीं। हमने कबर में घूम रहे, मारे मारे सर चौराहे जा रहे हैं, तुमको धारावाहिक लग रहा है? नहीं धारावाहिक नहीं है। हाँ? बताइए और बताइए। नहीं धारावाहिक में इस बार कौन क्या दिखाएंगे? आपका न्यूज में देखते हैं ना। हाँ क्या देखते हैं आपका जो अच्छा? अच्छा क्या लगता है आपकी जो बातें हैं, आपका जो प्रश्न पूछते हैं वो सब अच्छी लगती है। अरे हाँ, कहाँ मिला रहे हैं वो दिन फाकता हुए जब पसीना गुलाब था। टीवी पर देखते हैं हम आपको। हाँ धारावाहिक कह रहे थे, धारावाहिक अच्छा लगता है। सॉरी धारावाहिक मुँह से निकल गया मेरे, वो आपको देखा मुँह से निकल गया धारावाहिक जो आपका देखता हूँ शो चलता है। नहीं भैया जी, अरे सॉरी, यहाँ जान निकल गई। नाम कैसे पहचान लिया आपको? पहचान तो तुमने लिया था बेटा, बड़ी देर से ताड़ रहे थे तुम। एटा आ गए आप? आ गया एटा, आ गया। कैसे हैं साहब आप? क्या शहर का क्या रौनक है? शहर का रौनक ये है कि शहर लॉकडाउन में है पूरी तरह से। हाँ। और यहाँ अब जाके बहुत ज्यादा कोरोना पॉजिटिव मरीज निकल रहे हैं। अच्छा, शुरुआत में एक समय ये जीरो हो गया था। अच्छा। जीरो हो गया था। हाँ। लेकिन जो बाहर से माइग्रेंट्स आए हैं। हाँ। उनको सही से क्वारंटाइन नहीं किया गया। हाँ। वो आपस में मिक्स हो गए और अब आज की डेट में 118 यहाँ पॉजिटिव केसेस निकल चुके हैं और 69 एक्टिव केसेज हैं। तो कुल मिलाकर जो ढीला ढाली है, जो ये लोग बिना मास्क के निकल रहे हैं, लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं, तो ये खतरा बनता जा रहा है। मेरी सबसे पुनः अपील है कि सब लोग सोशल डिस्टेंसिंग अपनाएं और मास्क पहनकर ही बाहर निकलें। प्रशासन ने बहुत कोशिशें की हैं, लेकिन जब तक लोगों का सहयोग नहीं मिलेगा तब तक प्रशासन की सारी कोशिशें नाकामयाब रहेंगी। तुमको ये धारावाहिक लगता है? धारावाहिक मैं बताता रहूँ, सॉरी मुँह से निकल गया। चेहरा दिखा दूँ अपना। क्या नाम है? संजय गुप्ता। गुप्ता जी बहुत बढ़िया आदमी है। ढाबा में खाना। हाँ। आपने बहुत अच्छा शो किया। हाँ। अच्छा। हाँ, कोरोना के बारे में भी आपने पूछा था और वहाँ पे आपकी जो आपका शो है बहुत ही अच्छा है। भैया जी का इनका 5 बजे का शो उनको जानते? नहीं उनको नहीं जानते, चाचा जी है। हाँ? ना उनको नहीं जानते। बोले बोलो क्या पूछना चाह रहे हैं आप? ये कह रहे वो क्या आप पूछना चाह रहे हो बता इनको। वो ये पूछना चाह रहे हैं कोरोना के बारे में क्या हाल है आपका? क्या इस सरकार को ये नहीं दिख रहा था कि जब 130 थे, जब 130 थे उस टाइम पे तो आपने कौन बोल लगाया लॉकडाउन? वो तो आज लाखों में जा रहे हैं तब आप लॉकडाउन खोल रहे हैं? नहीं आपकी क्या नीतियाँ हैं? आप आम पब्लिक परेशान हुई उस टाइम पे, जब मान लो 130 थे उस टाइम पे तो लॉकडाउन जरूरी था। आज लाखों में, आज 4 लाख भी क्रॉस कर गया, 5 लाख के समथिंग जा रहा है, तब आप लॉकडाउन खोल रहे हैं?
तो ये क्या नीतियाँ, ये सरकार विफल है, ये सरकार की नीतियाँ विफल हैं। सरकार को मैंने दो दे उसकी जो नीति जब जो नीतियाँ बनाते हैं नीतियों में बदलाव करना जरूरी है, जिससे बदलाव भी होना जरूरी है। इतना ज्ञान हो जब 130 में तुम पूरे देश को बंद कर सकते हो और 4,60,000 हो रहे हैं तब तुमने सबको आजादी दे दी है, आप घूमिए। ये चीज कहनी चाहिए नहीं कहनी चाहिए, वो बात सही है। लॉकडाउन खोला है वो अच्छी बात है, वो तो हम लोगों की परेशानी थी, वो थोड़ी बात हम लोगों की परेशानी थी, वो बात सही है, पर कुछ उसमें बदलाव होने चाहिए। उस टाइम पे भी हमें टाइम मिलना चाहिए था, जो पब्लिक आई है पैदल पैदल चल के, जिनके छाले पड़े हैं, जिनके मरे हैं, उनके घर जाके पूछिए। नमस्ते, आपका वेरी गुड, वेरी गुड। आपका शो देखते हैं शाम को हम लोग। ये विदेश में थे भी, ये फरवरी में आ गए थे जब। अच्छा, पता चल गया। आप? मैं कतर में था एक्चुअली। कतर में थे? हाँ। अच्छा, वही जॉब कर रहा था तो अभी कोरोना फैल गया तो फिर यहाँ पे आना पड़ा। हाँ, आना पड़ा। 4-5 महीने ही स्टे होम है सर। आपका शो बहुत अच्छा आता है, डेली देखते हैं हम लोग। मजा बहुत अच्छा था आपका। वेलकम सर, पहली बार आए, वेलकम सर। आपका शो बहुत अच्छा आता है, टीवी में देखा है भाई साहब? टीवी में ही देखा है आपको? अच्छा, चलो बढ़िया। वोट मांग रहे हैं? हाँ, वोट कुछ तो कह रहे थे, तफरी सूझ रही है। बांस कहाँ गया? बांस कहाँ से निकल आया? मास्क है मेरे पास, अभी लेके तो कहाँ, अभी लेके आए? ऑफिस में रखा है, मैं ऐसे ही उठ के चला आया। कैसे ऐसे, मतलब आपको देख के बाहर निकल आया? हाँ, मैं लेके आ रहा हूँ। लेके आओ जल्दी सर, जाओ लेके आओ जल्दी। अगर आपको ये नहीं दिखाया तो बेकार है। हर जगह तो आपको हर चीज़ है, ये नई चीज़ है, और ये जो नई चीज़ है वो बिल्कुल मेरे सामने खड़ी है। आइए मैं आपको नई चीज़ दिखाऊंगा। एक जना इसको पकड़िए, देखिए कैसे मक्खन डाला जाता है। भाजी इस पर मक्खन डाल दिया गया, आलू, वाह भाई वाह। ये आलू जो है कि उबाले हुए नहीं है ना? कढ़िया वाले हैं, भुने हुए भट्टी की आंच के। अच्छा, ये भट्टी के आंच के भुने हुए हैं, इस पे ये मक्खन डाला जाएगा। क्या बात है, चाकू से ये मक्खन निकाला और इसमें धीरे धीरे ये डाल दिया गया। क्या बात है भाजी, ये तो अद्भुत है भाई। क्या कह रहे हो इसके बारे में, तुम क्या कहते हो? मसूर है एटा के, ये है एटा के मसूर आलू है। ऐसे इसे घूम जाओ। हाँ, क्या कह रहे हैं? एटा के मसूर आलू, पतौ आलू, एटा के मशहूर आलू, एटा के मशहूर आलू, एटा के मशहूर आलू। हाँ, अब इसके ऊपर जो असली खेल है वो अब डाला जाएगा। ये क्या मसाला है, कौन करेगा? घर का बना? गर्म, हाँ घर का, खुद का ही हमारा, ये हमारा खुद का मसाला। अच्छा, और इसके बाद क्या डालेंगे इसमें? नींबू। अरे वाह भाजी, हर शहर की एक खूबी होती है, और ये मैं इनसे कहूँगा कि जो खूबी है ये वो खूबी दिखाएं, और ये खूबी पाजी आप दिखाइए इसको। और ये जो इन्होंने बनाया है, इसके बाद जो चटनी डाली है, और ये जो चटनी इन्होंने डाल के, वाह पाजी। क्या बार खा रहे हो? शाम को कै रुपये पत्ता है? तौल से देते हैं, तौल से 120 रुपये किलो। तो मक्खन भी तो पड़ा है उसमें? मक्खन के पैसे अलग हैं। मक्खन के पैसे अलग से ले। अच्छा, मक्खन अलग से दिखाई भी पड़ रहा है? अलग। हंस तो लो भाई साहब, हंस तो लेंदो, आपने बात ही ऐसी कर दी। क्या कहा हमने? आपने कहा मक्खन अलग से दिखाई पड़ रहा है, मतलब पेट देख के आपने कह दिया मक्खन अलग से मालूम पड़ रहा है आपका। नहीं, मैंने कहा मक्खन अलग से दिखाई पड़ रहा है, वही तो कह रहा हूँ। भाजी मैं इनको नहीं जानता और मैं इनके यहाँ पे पहली बार आया, लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूँ कि पतौ की ये जो आलू चाट है ये लाजवाब होगी, ज़बरदस्त होगी, और ऐसे लोगों को निश्चित तौर से इनकी जो ये डिश है बाहर भी जानी चाहिए। क्या बात है पतौ भाई, ये कहाँ सीखा आपने? हमारे पिताजी ने सिखाया ये। कितने साल पुरानी कला है? हमारे पिताजी करीब हो गए करीब 60 साल, और यही वो खिलाते थे। आप भी खाइए सर, है? आप भी खाइए, बहुत टेस्टी है। अच्छा, क्या बार खा रहे हो दिन में तुम? दिन में हम, हाँ? हम खाते जब लगते हैं, सुबह दोपहर शाम 3 बार। बीमार हो? हैं?
बीमार हो क्या? नहीं बीमार नहीं है। खुराक ही बता रहे हो तुम तो? चलें भाई हम जाएं। ओके सर, धन्यवाद आपका। कन्हैया जी कहन है। कौन है? कन्हैया जी कहन है ना? कन्हैया जी, कन्हैया जी एक पप्पू जी। बढ़िया, बड़ी मेहनत करते हो आप। कौन? आपका चैनल हम बहुत देखते हैं, चश्मे में भाव बहुत आ रहा है आपके। उबल रहा है ना, दो चार बार और कन्हैया कहो तो उबल जाएगा। ठीक ठीक ठीक, बढ़िया। तुम्हारा नाम? मेरा प्रदीप कुमार जैन। जैन साहब नमस्ते। जैन साहब क्या काम करते हैं? रेडीमेड गारमेंट्स का काम। रेडीमेड गारमेंट्स? थोड़ा बुरा हाल हो गया लॉकडाउन की वजह से, काम धंधा बंद पड़ा हुआ। तो एक काम करो, कन्हैया जी का कीर्तन करवाओ एक बार। हाँ वही करवाएंगे। तो अब यहाँ पूरे मार्केट का दौरा हो रहा है, रास रचा रहे हैं, बस ऐसे घूम रहे हैं, ऐसे सुदर्शन चक्र हाथ में है और जैसे ऐसे घुमा रहे हैं। कन्हैया जी कहीं है। आना कहाँ से हो रहा है आपका अभी? अभी मथुरा से। मथुरा से आ रहे हो? हाँ, वृंदावन जाएंगे। पूरी टीम आपकी? कितने लोगों की टीम है? कितने लोगों की टीम है आपके साथ के? वैसे तो काफ़ी हैं, 84,000 हैं, लेकिन अभी आपके साथ कितने हैं? अभी हमारे साथ है 6-7 लोग हैं। गाड़ी से आए हो? हाँ, रथ कहाँ है बाबा, वहाँ पर रथ वथ थोड़ी ना। वैसे अगर रथ बनवा दे कोई तो बढ़िया, रथ सुंदर रथ अगर बन जाए, है ना? सही बात है भाई साहब। इंडिया में खूब नाम है आपका, पूरी इंडिया में खूब नाम। नाम क्या है? कन्हैया जी कहन। कन्हैया जी? कन्हैया जी कहन है। कैसे हैं? बढ़िया सर। कैसे? कौन? अच्छे। पहचान लिया हमने? पहचान लिया। कौन है? भैया जी। आप क्या कह रहे थे? कन्हैया जी कहन है, दोनों ही नाम रखे हमने। नगला कंचन गांव है, एटा का, एटा जिला है। जब दिल्ली, मुंबई, राजस्थान, मध्य प्रदेश की सड़कों पे प्रवासी चल रहे थे तो एटा का बड़ा नाम आ रहा था। ये वही जिला है उत्तर प्रदेश का जहाँ मैं आज पहुँचा हूँ। वहाँ से गाड़ी चलते हुए भिंड और भिंड से इटावा, इटावा से होता हुआ मैं एटा आया, और एटा में ये नगला कंचन है जो गांव का नाम है। कैसी हैं आप? अच्छी। क्या काम करते हैं आप? स्वास्थ्य विभाग में। अरे वाह क्या बात है। तो जा रही हैं घर घर जा रही हैं? हाँ जी घर घर जा रही हैं। तो क्या पूछ रही हैं, क्या पूछ रही हैं? अभी ड्यूटी से लौटे हैं। अभी ड्यूटी से लौटी हैं जी। तो ये घर है आपका जी? अरे वाह, तब तो मैं आपको कोरोना वॉरियर है आप तो। तो मैं आपको सैल्यूट करता हूँ। थैंक यू जी। क्या नाम है आपका? कुसुम लता। कुसुम जी एटा में कर रही हैं, पोस्टेड हैं जी? जी एटा में। तो क्या स्थिति है कोरोना को लेकर और लोगों में जागरूकता को लेकर, और क्या कैसे ऑपरेट कर रहे हैं लोग? कोरोना को लेकर तो कोरोना तो फैल ही रहा है। जब तक लॉकडाउन था तब तक तो सुरक्षित थे। अब ज्यादा ही स्थिति खराब होती जा रही है। अब यही है कि दूरियां नहीं बना रहे हैं लोग, और ये जो बताया गया है उसको नहीं समझ रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे बाहर के, जैसे मैं जब था दिल्ली में क्योंकि काम करता हूँ तो बहुत सारे लोग मुझे सड़कों पे जो जाते थे प्रवासी मिल रहे थे, उसमें एटा के बहुत सारे लोग थे जो एटा में आते थे काम करने के लिए, मुंबई में है, इंदौर में है, तो वो लौटे तो कुछ उनको भी लेके एहतियात बरता गया? जी हाँ, उन्हें बरता गया, उन्हें देखा गया, खाने पीने के लिए उनकी सुविधाएं बनाई गई और रहने के लिए साधन भी बनाए गए थे, भेजा गया उन्हें अपने अपने। इस समय एहतियात नहीं बरत रहे हैं लोग? इस समय नहीं बरत रहे, ये जो बड़ा चिंतनीय है जी, जी, ये चिंता का विषय है जी, जी। बहरहाल आप अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं सब। बढ़िया बेटा, बढ़िया है, खूब बढ़िया। ऐसे ही रहो बस, और थोड़ा दूर दूर मुँह ढक के रहना है। अरे हम कहाँ जा रहे हैं? अरे तो तुम्हें तो नहीं जा रहे, लेकिन बाहर वाले तो सब आ रहे हैं। अच्छा, हम तो बड़े हाँ, तो वो सब संभाल के रहो। बड़े बुजुर्ग हैं बाजी, कहते हैं हम कहाँ बाहर जा रहे हैं, लेकिन सवाल तो ये है कि आप बाहर नहीं जा रहे हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ तो लोग आ रहे हैं। कुछ चिंताएँ हैं, जरूर चिंता हैं, और गलियाँ हैं जिनकी ये मैं बात कर रहा हूँ। एक इधर चल के देखते हैं बाजी। बिल्कुल ठीक है, बढ़िया है, स्वस्थ है, ठीक है, बढ़िया एकदम ठीक है, स्वस्थ रहिए। लेकिन कैसे रहेंगे स्वस्थ? मास्क लगा के रहेंगे। मास्क लगा रहे थे तब तक आप? तब तक हम आ गए। जब आप मास्क लगा रहे थे तब तक मैं आ गया। मास्क लगा के रहने भाई साहब? हाँ हाँ, ज़्यादा 24 घंटे तो नहीं रखा जा सकता, लेकिन हाँ जहाँ बाहर जाएँ, गली के बाहर आएँ तो याद। देखिए मुझे भी बड़ी दिक्कत होती है, एक तो ये है, उसके ऊपर ये है, मुझे भी बड़ी डांट पड़ती है लोगों से कि पहनिए पहनिए, अब इतनी गर्मी, इतनी उमस, लेकिन उसके बावजूद पहने हुए।
है ना? क्या नाम है आपका? आकाश। क्या काम करते हैं? कचहरी पर बैठता हूँ। तब तो और ध्यान रखिए, पढ़े लिखे आदमी है आप। बीच है एकदम। हाँ जी, ये गांव एकदम बीच में, यहाँ पे आ गया मैं, नगला कंचन। आप तो अंगोछा अंगोछा नहीं रखते, क्या बात है भाई? नहीं सूरज, ऐसा हम गांव में जो लोग बाहर से आते हैं उनको देखा, हम अपने वहाँ पे महसूस सुरक्षित कर रहे हैं। क्या नाम है, जरा खड़े होइए? सुशील कुमार। सुशील जी, आप बहुत समझदार आदमी हैं, लेकिन थोड़ी सी चूक जो है दिक्कत में डाल सकती है ना। वो तो ये जो जिस तरह से बैठे हैं ना, ये भी थोड़ी सी हो सकती है, आपको पता नहीं चलेगा। ना आपको वो तो आज कह रहे हैं बैठ, ठीक है। अभी ऐसा है, हम लोग यहाँ पे बैठे हैं तो हम आपस में 10 बैठे हैं या 5 लोग बैठे हैं, हम आप सुरक्षित हैं। जो बाहर का व्यक्ति आएगा उससे थोड़ी हमें दिक्कत होगी। जी सुशील जी, मतलब आपने जो मुझे बताया वो मैंने सुना आपसे, नाराज तो नहीं है आप? नहीं नहीं नहीं, वैसे मैं इतना कहने आया था आपसे, बुरा मत मानिएगा, ये खतरनाक है। ना खतरनाक तो वो तो बात ठीक है, जो चीज वायरस। तो एक बात ठीक होगी ना, ये ठीक होगी या मेरी बात ठीक होगी, दो में से एक ही तो ठीक होगी ना, या तो तुम्हारी ठीक है या तो मेरी ठीक है। अब करो, वो बगल में तंबाकू ठोक रहे हैं और तुम उनके बगल में बैठ के जो जो ठोको, हमें क्या। लेकिन मैं तुमको समझा रहा हूँ, ज्यादा काबिल होना भी जो है ना दिक्कत। बस अभी बारिश होके खत्म हुई है, लोग इंतजार में हैं, यहाँ पहुँचे हैं नगला कंचन में, तमाम सारे लोग मौजूद हैं। मैंने आपसे बार बार ये बात कही कि जब मुंबई, दिल्ली, नोएडा की सड़कों पर प्रवासी दिखाई पड़ रहे थे तो एक ज़िले का नाम बार बार आता था, वो नाम था एटा का। और एटा से बहुत सारे लोग बहुत जगह जगह काम करने जाते हैं और दूर दूर काम करते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा साधन नहीं है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ से लोग बहुत दूर तक जाते हैं, इसी वजह से जाते हैं। मैं एक बार मौजूद हूँ यहाँ पे, बातचीत के सिलसिले को देखते हैं, पूछते हैं लोगों का क्या नाम। क्या नाम है साहब आपका? अमर सिंह। अमर सिंह। अमर सिंह जी, अमर जी क्या काम करते हैं आप? खेती का काम। खेती का काम। आपके यहाँ परिवार से कोई बाहर गया था? हाँ जाते हैं। हाँ, लौट आए? लौट आए। आप घर पे ही है? हाँ घर पे। कौन गया था? प्रमोद है। हैं? प्रमोद। प्रमोद कौन है? मेरा बेटा है। हाँ हाँ, बेटा गया आपका काम करने? कहाँ काम करता था वो? ये दिल्ली भिल्ली काम। अच्छा, अब लौट आया? लौट आया। तो आप जाएगा कि नहीं? आप बुलाएंगे तो जाएगा। जाएगा, लेकिन अभी घर पे ही है। हाँ। आप साहब? हम भी दिल्ली काम करते हैं। काम करते दिल्ली में? कहाँ पे? हरियाणा। हरियाणा में काम करते हैं? हाँ जी। कितने साल हो गए काम करते हुए? हो गए 5 साल करीब। वहाँ कब लौटे आप, कैसे लौटे? मैं तो फरवरी में आ गया था पहले ही। अच्छा, पहले ही आ गए? अब भी वहाँ अभी गया हूँ। फिर गए नहीं आप? अभी नहीं गया, अब जाने वाला हूँ। जाएंगे? बुला रहे हैं। बुला रहे हैं, जाना जरूरी है। सारे यहाँ कुछ खाने पीने की व्यवस्था खत्म हो रही है, तो जाना पड़ेगा। जाना पड़ेगा। पाजी, खेती किसानी है बहुत सारे लोगों के पास, लेकिन छोटे छोटे काश्तकार हैं, कोई बहुत बड़ी ज़मीनें नहीं हैं, छोटी छोटी ज़मीनें हैं, उसी में खेती बाड़ी करते हैं। और डीजल का तो दाम आपको पता ही है पाजी, क्या हो गया, पेट्रोल से ज़्यादा महंगा हो गया इस समय। तमाम किसान हैं, तमाम लोग छोटी छोटी जोत के लोग हैं। बहरहाल, ज़्यादातर ऐसे लोग हैं जिनके परिवार से एक या दो या तीन लोग ऐसे हैं जो बाहर काम करते हैं। आपके परिवार से भी कोई करता है बाहर? हाँ करते हैं। कहाँ? नोएडा। नोएडा चले गए वापस? हाँ गए, वो मतलब 8 तारीख को गए थे। 8 इसी जून को? हाँ। उनका काम शुरू हो गया? हाँ। अच्छा, तो चले गए। भाजी, एक समय में इस गांव में बहुत सारे लोग आए होंगे बाहर से, कितने लोग आए थे यहाँ पे, कितने लोग अमूमन अंदाजा करें तो कितने लोग थे काम करने वाले बाहर के? 15-20। 15-20 लोग थे। तो कुछ लोग क्या पैदल भी चल के आए थे इस गांव में? पैदल भी आए थे। हाँ जी, पैदल भी आए थे। पैदल आए थे? पैदल आए थे, और साइकिल से आए, साइकिल द्वारा, साइकिल खरीद के लेके उसके बाद आए थे। आए थे कहाँ से, पैदल कहाँ से आए थे? सीधे दिल्ली से, जहाँ तक। ज़्यादातर लोग सिर्फ दिल्ली में काम करते हैं? दिल्ली में करते हैं, नोएडा करते हैं। नोएडा करते हैं। पैदल आए वहाँ से? पैदल भी आए। खड़े हो, कहाँ काम करते थे? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में कहाँ काम करता था? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में कहाँ पे? MIDC। MIDC में काम करते थे? हाँ, पॉलीरॉब कंपनी। हाँ हाँ। कब आए, कैसे आए थे तुम? मैं बाइक से आया था। बाइक से? कितने किलोमीटर? 1500 किलोमीटर। चलाई आए थे? नहीं, दो लोग थे हमारे, एक साथ में लड़का था इटावा का। हाँ। हम दो लोग आए थे। हाँ।
बेटा आते वहाँ से महाराष्ट्र से बाइक से आए थे और चले आए थे आराम से। 1500 किलोमीटर आपने जो है बाइक चलाई थी, बाइक चलाई थी और अब यहाँ आ गए। पाजी अभी तक अब मुझे मालूम नहीं है किसके जूते हैं, कहाँ हैं, कैसे पड़े हैं, लेकिन ये गवाही जरूर देंगे किसी न किसी के कि मजदूरों के गाँवों में जो है स्थितियाँ ऐसी ही होती हैं। बहरहाल आप सोच रहे हो जाने की कि नहीं? क्या करूँगा जाके, अभी मैं मरूंगा क्या? मैं वहाँ पर कुछ अभी तो है नहीं कुछ भी, अभी निकल के आया, 1 महीने हुआ आया आने। हाँ 1 महीने हुआ आया है, कंपनी चालू नहीं हुई है, तो वहाँ पे जाके करूँगा क्या? मैं बैठ के खाऊंगा क्या? नाम है आपका? अनिल कुमार। अनिल कुमार जी कहते हैं कि क्या मरूंगा जाके वहाँ पे, अभी तो फैक्ट्री चालू नहीं हुई है, 1 महीना हुआ है आए हुए, तो फिलहाल तो अभी यहीं गाँव में रहूँगा। गाँव में घर पे रहेंगे? घर पे ही रहूँगा मैं अभी। घर पे यहाँ पे करेंगे क्या? कितने साल हुए थे मुंबई गए हुए? मुंबई हो गए थे 3-4 साल। वहाँ ठीक लग रहा था? ठीक लग रहा था, लेकिन अब अभी तो ख्याल में ठीक अभी नहीं। जब बस हुआ बीमारी तब उसमें आ गया, फिर निकल गए, बड़ी मुश्किल से आया पाया था वहाँ से। आप कहाँ काम करते हैं भैया खड़े हो? हम तो यहीं काम करते हैं, ईटा। ईटा में ही करते हैं? तो आप बहुत अच्छे हैं, अपना घर के पास में ही है जी, हिंदुस्तान लीवर में। हिंदुस्तान लीवर में जी, तो बहुत अच्छा है। आप तो घर पर ही, आपके पास बगल में ही आपको नौकरी मिल रखी है, खुल गई क्या फैक्ट्री? हाँ फैक्ट्री जा रहे हैं आप जी? सब ठीक है वहाँ? सब ठीक, बढ़िया है। जिनके पास साधन है यहीं पे बगल में वो तो बहुत अच्छे हैं। आप भैया कैसे हैं? ठीक है। हाँ जी ठीक है। क्या क्या चल रहा है सर? सब ठीक चल रहा है, हम तो कृषि करते हैं यहीं पे। हाँ तो डीजल तो महंगा हो गया? डीजल महंगा हो गया, मगर हम तो बिजली से समर से पानी लगाते हैं। अच्छा जी। बहरहाल दो अब क्या है, गांव की स्थिति क्या है? गांव की स्थिति ठीक है, मगर जो हमारा शहर है एटा, वहां की स्थिति बहुत ज़्यादा गंभीर है। वहां पे दिन पर दिन पेशेंट बढ़ते जा रहे हैं, तो इस चक्कर में कई मार्केटें सील कर दी हैं एटा में जी। हाँ तो इस चक्कर में शहर नहीं जा पाते। पहले तो नहीं था एटा में इतने केस? नहीं पहले नहीं था, जो लोग बाहर से आ रहे हैं उनकी वजह से एटा में कई ज़्यादा पेशेंट हो चुके हैं, तो ये चिंता की बात है जी। चिंता की भाजी, आपके गांव में जब मैं घुसा था तो हेल्थ डिपार्टमेंट की वो लेडी भी मिली थी जो हेल्थ डिपार्टमेंट में काम करती हैं, उन्होंने भी मुझे ये बताया था कि दिक्कत तो होती जा रही है, लोग समझते नहीं हैं, बात नहीं समझते हैं। जहां नहीं है केसेस वहां पे भी केसेस हो सकते हैं बाद में, बढ़ रहे हैं और मार्केट सील हो रही है, सील हो रही है और दिक्कत हो रही है बहुत ज़्यादा। खेती किसानी पूरी करते हैं, इसके अलावा भी कुछ नहीं? खेती किसानी है। खेती किसानी जी। कैसी है इस बार फसल? फसल तो ठीक है मगर मार्केट जो मूल्य है वो बहुत ही सस्ता है। हाँ। पहले पिछली साल मक्का 2200 रुपए थी। हाँ। इस वर्ष कोरोना की वजह से 1100 रह गई है और शायद घट सकती है। क्यों? ये कोरोना में जो बाहर के जो व्यापारी हैं, मार जो कंपनियां जो खरीदती हैं। हाँ। वो बंद है, वो खरीद नहीं रही, तो मक्का बहुत सस्ती है भाजी। इसके पास के इलाके में मक्का जो है, अगर आप आएंगे तो सड़कों के, मैंने आपको दिखाया भी, सड़कों के दोनों तरफ मक्का सूखता हुआ दिखाई पड़ता है और वो ये यहाँ का खास फसल है, लेकिन उन्होंने कहा कि इसकी वजह से इस बार मक्का की जो है फसल जो है अच्छे दामों में नहीं बिकी और ये दिक्कत है। कैसे हैं आप? बढ़िया हैं। बढ़िया है? हाँ सब बढ़िया ही है, तो सब अच्छा ही है। फिर वही है, क्या चल रहा है सर? ठीक जो चल रहा है, जो लोग थोड़ा परेशान तो हैं कोरोना की वजह से जो। हाँ हाँ। और लोगों के रोजगार भी प्रभावित हुए हैं जो। हाँ? दूसरा गांव में लोगों पर थोड़ी बहुत खेती है इसलिए जीवित है, बाकी इनका रोजगार तो काफ़ी ख़राब हो गया है जो है। अब हाँ? एक दूसरा किसी को कोई बोल नहीं सकता है। हाँ? लेकिन हालात सही नहीं हैंगे। अच्छा एक दूसरे से कोई बोल नहीं सकता लेकिन सबके हालात एक ही जैसे हैं? ठीक नहीं हैंगे। ठीक नहीं है? ठीक नहीं है। ये हमारे भतीजा है दिल्ली से आया है जो, बड़ा परेशानी से आया था जो। कैसे आए बेटा? सही है सर। दिल्ली में काम करते हो? हाँ जी। क्या? मैं अमेजोन कंपनी में था। फिर क्या हुआ? तो वहाँ जो लॉकडाउन लगा था तो उस समय पर वो बंद हो गई थी, फिर हाँ। कुछ समय बाद चालू हो गई, उन्होंने परमिशन ले लिया। हाँ। फिर जब मैं यहाँ आ गया तो कॉल कर रहे हैं कि आ जाओ, मैंने कि लॉकडाउन है मैं नहीं आ सकता, बस नहीं चल रही है, तो कह रहे हम आपको निकाल देंगे। नहीं सर, आपको जो चित लगे वो कर सकते हो, मैं नहीं आ सकता अभी। जब से मैं यहीं पर हूँ कोरोना काल से, जितना बैंक बैलेंस था वो सारा खत्म हो रखा है। लेकिन काम तो करना ही पड़ेगा। हाँ काम तो करना ही पड़ेगा। हाँ। अब जाएंगे कुछ दिन बाद, देखते हैं थोड़ा सा माहौल कैसा होता है। हाँ। उसके डर रहे हो? डर लग रहा है? हाँ डर लग रहा है थोड़ा। हाँ, डर का बात भी है, तो ऐसा तो बात नहीं है, डर की भी बात है। गाँव में जो है नगला कंचन में सड़क बनी थी करीब 35-36 साल पहले,
वहाँ मंदिर से लेके एफसीआई गोदाम तक बाईपास, वो सड़क बहुत टूट चुकी है। कई बार शिकायतें जिला प्रशासन से लोगों ने, किसान हम लोगों ने किए हैंगी, यहाँ के विधायक लोगों को भी जानकारी दी, लेकिन अभी तक वो सड़क नहीं बनी हैंगी, जो बहुत भारी समस्या है हमारे गांव की। हाँ भाई, मैं समझ सकता हूँ, मैं जब गांव में जाता हूँ। हाँ जी बाबू जी, सफाई करने नहीं आता है, नालियाँ सब चौक डली हुई हैं। नहीं आता, कभी नहीं आता, कभी नहीं आया, कभी नहीं आता, कभी नहीं आता, सफाई कर्मचारी कोई कभी नहीं आता। भाई मेरे गांव की रोड ठीक करा दीजिए। पता नहीं ये वाक्य हम कब तक सुनते रहेंगे, और एक वाक्य मैं खास तौर से भैया जी कहेंगे इस कार्यक्रम में, जिस दिन नहीं सुनूंगा, जिस गांव में जाके उस दिन समझूंगा कि ये काम थोड़ा थोड़ा ठीक हो गया। मैं चाहता हूं कुछ रोड तो बनी हुई है, कुछ हिस्सा ज़रूर बना हुआ, लेकिन मुझे लगता है कि जो ये कह रहे हैं 35-36 साल पहले बना, कुछ चीज़ों में तो जगह पर रोड पर तो मैंने देखा कि ईंटा लगा हुआ है, लेकिन यहाँ तो लगा हुआ है ईंटा, बाहर टूटा हुआ है। हाँ, गांव के अंदर तो ठीक रोड मैंने देखी, लेकिन एक चीज़ आप भी ध्यान रखा करिए, गांव में जब रोड बने उसके बाद तोड़ा ना जाए, बीच बीच में जब टूट जाती है ना तो वो ख़राब हो जाती है रोड, है ना, पशु निकलने से, भैंस वगैरह निकलने से, ट्रैक्टर ट्रॉली से टूट जाती है। क्यों बाबू जी, कैसे हैं? ठीक है। क्या काम करते हैं? हम गुड़गांव में काम करते थे, लकड़ी का। लकड़ी का जी? अच्छा अच्छा, फर्नीचर का? नहीं, पाए बनाते थे, फर्नीचर बनाते थे। फिर क्या हुआ? चले आए वहाँ से। कितने दिन हुए? ये होली से करीब 20 दिन बाद आ गए हम। मतलब आप मार्च में आ गए? हाँ जी। फिर गए नहीं? फिर नहीं गए। कैसे आए थे? ट्रक से आए थे, एक ट्रक मिल गया। हाँ। उसमें चले आए। कितने पैसे लिए ट्रक वाले? नहीं, अलीगढ़ तक तो हम फ्री में आए थे। हाँ। और वहाँ से आए थे अलीगढ़ से एटा। कैसे? ट्रक से आए वहाँ से भी। वहाँ से भी? हाँ। 70 रुपये लिए। 70 रुपये लिए ट्रक से यात्रा करी, लेकिन अब वापस जाना है? अभी नहीं, कोई पता नहीं, अब देखो काम मिल जाए, वहाँ से फोन आए तब जाए। जैसे काम से जी, आप सोच रहे होंगे बहुत सारे वो लोग जिन्होंने गुड़गांव में, NCR में, फरीदाबाद में, दिल्ली में, मुंबई में, वो लोग नहीं दिख रहे हैं आपको जो लोग काम करते थे या आपके घर के आसपास कॉलोनियों में दिखाई पड़ते थे, वो ज़्यादातर लोग इधर से उधर काम करने जाते थे, और ये वही लोग हैं जो यहाँ आपको दिख रहे हैं। ये अभी गए नहीं हैं, जाना चाहते हैं, सोच रहे हैं। मैंने एक गांव आपको दिखाया था इटावा में, एटा भी एक गढ़ है जहाँ तमाम सारे लोग काम करने के लिए उस तरफ का रुख करते हैं, लेकिन इस वक्त डरे हुए भी हैं, परेशानी में भी हैं, जाना चाहते हैं क्योंकि रोजी रोटी वहीं पर है, आपके दरवाजे पर, आपके घर के पास में, लेकिन मुश्किल ये है कि जाएँ तो किस गारंटी पर जाएँ, क्योंकि यहाँ पर भी जो रह रहे हैं वो इस मुश्किल में हैं कि जो अपना अपना जोड़ा हुआ पैसा था वो धीरे धीरे अब खत्म हो रहा है। तो जी, स्कूल में पानी भर गया है, आओ तैरा जाए। पर आओ, आधार सेवा बंद है या शुरू है? अभी बंद है, बंद है, चल नहीं रही आधार सेवा। भाई आधार सेवा बंद है। भाई जब बारिश हो जाए तो चाहे जसराना हो, चाहे दिल्ली, और चाहे वो मुंबई, और चाहे वो कोलकाता, दिखता सबसे ज़्यादा यही है। क्या है ये? क्या है ये? हैं? समोसा। क्या है? समोसा। समोसा या समोसे? समोसे। मुँह से बोलो समोसे। 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 भाई बहुत फेमस दुकान है ये जसराना की। क्या नाम है तुम्हारा? लकी नाम है। हैं? लकी। गुप्ता जी, गुप्ता जी, समोसा ले लिया तुमने? और चटनी? हाँ बाजी, बस ज़्यादा देर रुक गए तो खाना पड़ जाएगा। चलो हाँ भाई, मास्क हैं? मास्क जेब में रखो भाई। हाँ, कहाँ रखो है? कहाँ रखो है? कहाँ रखो है? ले रहे हैं? ले रहे हैं, ले रहे हैं। हाँ, न्यूज़ 18 पर। हाँ, न्यूज़ 18 पर। कैसे हैं? हाँ। हाँ। यस। अरे। भैया जी कह रहा तो खुल जाए। अरे भैया जी टीवी पे आते रहते हो ये? और भाई साहब। हाँ। बढ़िया। हाँ, मुख्य हम दर्शन है आपके, हमको बस यही बड़ा खुशी है। दर्शन है? हाँ सर, बिल्कुल। आपका चैनल बहुत देखते हैं, हम आपके प्रेमी, मान लो आपके प्रेमी हैं हम। क्या नाम है?
प्रेमी है आपके? मित्र। प्रेमी, प्रेमी मतलब मित्र। प्रेमी मतलब मित्र, मित्र, मित्र। आपके आशिक कम परेशान रहे हो, आपका चैनल ही देखते हैं हम। और बढ़िया साहब समोसा खिलवाए, बहुत बढ़िया समोसे हैं सर हमारे यहाँ के, बढ़िया समोसे हैं सर। अब आप अगर हमारे आशिक हैं, प्रेमी हैं, लवर है, तो फिर आपके पास आप समोसे ही खिलाएंगे बस, और कुछ बताइए। बैठिए आप आपकी दुकान है, बैठो और बताओ। अब ये तो मुश्किल हो जाएगा फिर, इतना ज्यादा प्रेम भी अच्छा नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ जी, बस मैं आऊँगा फिर। आपकी बहुत बहुत शुभकामनाएं, थैंक यू, और बढ़िया रहिए, बता लूंगा मैं। कितने का है? 180। 180 का है, सही बताओ। रेट एक ही है। रेट एक ही है, चाय ले चाय ना ले, 2-5 रुपए कम हो जाएंगे। है? 2-5 कम हो जाएंगे। 100-5 कम हो जाएंगे। 2-5 रुपए कम हो जाएंगे। 100 रुपया नहीं, 160 रुपए से कम नहीं आएगा, इससे कम नहीं आएगा। नहीं आएगा, क्या कहते हो, ले लें छाता? ना बारिश होगी तो छाता तो लेंगे लेंगे। यार बारिश तो हो ही रही है तो छाता तो लेंगे लेंगे जी। 180 का कह रहे हैं, 160 में दे रहे हैं, लेना पड़ेगा जी। लो ले लेते हैं फिर, एक छाता दे दीजिए, तुमको भी चाहिए ले लो। खुल नहीं रहा यार, ठीक तो लग रहा है, ठीक है, हाँ ठीक है। 160 का कह रहे हैं, 160 का सही है, 160 का सही है, बढ़िया है, ठीक है, हल्का है लेकिन। हाँ हल्का तो है, तो फिर कैसे बढ़िया है? वैसे सही है पंखुड़ियों के हिसाब से। पंखुड़ी कहाँ? ये नहीं है अंदर डिजाइन जो है, हाँ ये वाली, ये पंखुड़ी कहते हैं इसे। और गुलाब? ये तो गुलाब का फूल ही है फिर। नाच रहा है, ठीक है ना, सही है, बढ़िया बढ़िया। ले लो, तुम ले लो, तुम्हें दे रहा नहीं, मैं नहीं ले रहा। क्यों ले लो? नहीं, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक हैं। क्या ले लिया? दाल ली है, दाल अरहर की लिए, उड़द की भी है, धुली हुई है, धुली वाली उड़द। जी हाँ, आज दाल बनेगी, आज दाल बनेगी तो अरहर की बनेगी, बहुत बढ़िया है। खाना साहब, चार्जर, ये कैसा चार्जर है? मोबाइल चार्ज करने के लिए, मोबाइल चार्ज करने के लिए। पान वान चल रहा है सब? तुम्हें तो सारी शहर भर की खबर होगी। थाना जी, थाना जी हैं हम, समझे तो टिक जी तो पता चले। हैं? प्रतीक जी हैं, चेहरा दिखाओ पहले, टीवी पे देखते हैं, पढ़ो चेहरा देखना है इनको। वही हो, सही बात है। अस्थाना जी, अस्थाना जी का पान है, जसराना का पान है, ये जसराना का पान है, अस्थाना जी का पान जसराना का। अच्छा, तो खबर क्या कहती है पूरे एटा में? आज सर यहाँ जसराना में आज बरसात हुई है, अच्छी वाली है, पहली बार बरसात हुई है ऐसी। बरसात तो कई बार देखते हैं हम टीवी पे, ये चैनल आपको देखते हैं। मोदी जी के वक्त है भाई, मोदी जी के वक्त हैं ये। अच्छा, और आप? लंबे लंबी मोदी जी के, और आप? बिल्कुल भारत की खड़े पीछे, भारत की नाम है इनका। क्या नाम है? भारत गुप्ता। क्या आप ही गुप्ता जी हैं? हाँ। आपकी दुकान कौन सी है? ये दुकान छोड़ेंगे, समोसे वाली, समोसा था आगे वाली, समोसा से आगे वाली गुप्ता जी। क्या बोलना है हमें तो बताओ। ये कि कैसे कम किया जाए, कैसे कम किया जाए, इधर इधर घूम जाइए डॉक्टर, कैसे कम किया जाए, कैसे कम करें, ऐसे किया जाए, सबका डिस्टेंस बनाए रखा जाए, सब अपना व्यवस्था बनाए तब कम किया जाए। आपने बंगाली? हाँ। তো বাংলায় বলতে পারো? হ্যাঁ। তো বলুন বাংলায়, বলুন দাদা, কি কি কথা বলছো তুমি? তুমি বাংলায় বলো না, বাংলায় বলো। সবাই ব্যবস্থা বানায় রেখে ওইটা ঠিক করা যায়, সেটা সবথেকে ভালো। তো দাদা একটু কথা বলো। হ্যাঁ। কি রকম কম হবে? কি রকম কম হবে?
हम तो अभी हमारा अपना डिस्टेंस बनाती है ना 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 की रकम কম হবে এখন সেটা তো আমি নিজে বলতে পারবো না সেটা তো সবাই 10 জন ধরে ইয়া করবে সেটাই হবে দাদা পেট কি রকম কম হই পেট পেট তো কম করব না দাদা আরে না দাদা দাদা দূর থেকে तो दादा 500 के दादा कितना बरस हो गया इधर इधर यहाँ पे रहते हुए कितने बरस हो गए हमें हो गया आज करीब 35 साल हो गए हैं तो कोलकाता से दिखे रिश्ता हाँ आचे तो आप उधर जाते हैं कोलकाता जाए बाबा रेलवे चाकरी करो इकाने जावा आशा करी हमारे इकानो बाड़ी वो इकानो बाड़ी अच्छा तो दादा पिताजी रेलवे में हाँ सेले इकान एमबीआई कर से ছেলে আরে দাদা তো ভালো বাটিক বাটিক প্রিন্ট পরে আছো বাটিক প্রিন্ট হচ্ছে বাঙাল প্রিন্ট হচ্ছে ভালো খুবই ভালো দাদা দাদা করোনা তে সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং রাখো হ্যাঁ হ্যাঁ আর গুপ্তা জি সমোসা কম খাও সমোসা খাই গই তো বড়ঙ্গে যায় সমোসা খাই গই বড়ে হো জি আর কিছু মিলাই না রো সমোসা মিল লো হ্যাঁ সমোসা মিল লো হ্যাঁ হ্যাঁ মাস কেন চলা গেল हाँ वही लगा यहाँ लगा रहना चाहिए है ना यहाँ और ऊपर चढ़ा लो जब हमने कह दिया तो ऊपर चढ़ा लो अरे जहाँ लगा वहीं लगाओ ना इनका नाम क्या है मुझे नहीं पता नाराज हो क्या नहीं नहीं अच्छा आप क्या हमसे नाराज हो क्या नहीं, क्या नाम आपका नहीं मेरा भुवनेश बढ़िया आदमी है भुवनेश जी बहुत अच्छा आदमी आई कैसे हैं बढ़िया साहब क्या चल रहा है सब ठीक है और शहर में शहर सुरक्षित है अच्छा जी सुरक्षित है कोई तकलीफ नहीं कोई तकलीफ लेकिन हम लोग बता रहे हैं कि पालन नहीं कर रहे हैं नियमों का कर रहे हैं सभी लोग कर रहे हैं है? स्प्रे कर लेते हैं हाँ। किसी की जरूरत पड़ती है उसके भी कर देते हैं जहाँ बैठते हैं वहाँ भी कर देते हैं हाँ। सुरक्षा पूरा ध्यान रखते हैं पूरा एम्बुलेंस घूम रही देखिए आपके यहाँ जी एम्बुलेंस घूम रही है सुरक्षा के ये भी सुरक्षा के लिए घूम रही है हाँ। लोगों को जरूरत है तो मदद करती है मदद करती है बिल्कुल क्या नाम हो गया आपका योगेंद्र द्विवेदी कोरोना में क्या हो गया आदमी का नए आदमी इकट्ठे कर लिए अरे वो खाएंगे कैसे जो मुंह में वो लपेटे हैं खाएंगे कैसे भाई तुम दे दिया इनको अब ये कैसे खाएंगे फोन भी आ गया आप फोन सुनाए कि खाएं कि क्या करें हैं पहले हैं तो अरे करेंगे कैसे खा लेते आप भी पता ना हमने नहीं खाया खा लो खा चुके क्या क्या खाया हमने कुछ नहीं खाया अरे तो खाओ ना कैसे खाओ खा रहे नहीं हमने कुछ नहीं खाया दूसरे कैसे खाया मुझे खड़े तो हैं देख रहा है बोले लेके गए आपके सामने ही लेके आए वो तो चले गए अब वो तो कोने में बैठ के खाएंगे और तुम तो खा ले हो नहीं हम नहीं खाने आए थे हम तो मिलने आए थे हम देखने आए थे देख रहे तो लोग कैसे खा रहे हम कैसे खा रहे देखो इन्होंने खा लिया अपना क्या मास्क लगाएंगे अब चले जाएंगे तो तुम भी खाओ साथ ही जा रहे बस इन्हीं के साथ अच्छा अरे खा लो नहीं तो रात में सपने आएंगे यही ना सर खा लो जाओ नमस्ते भाई जसराने की सबसे मशहूर दुकान समोसे की अरे दिखाया था मैंने आपको जय हो बाद में आऊंगा बाद में अभी नहीं बाद में खाऊंगा आज नहीं फिर कब खाएंगे अरे मैं आऊंगा दोबारा आऊंगा और तू मैं बंद कर लो उनसे कहा था मैंने है नहीं तो क्या होगा पत्रकार साहब हैं ये मैंने अब मुंह बंद कर लो है बोला फिर क्या हुआ तो कर लिया उनने अच्छा कर लिया अच्छा और तुमने कहा चौधरी हैं
गांव के चौधरी? अरे चौधरी हो भैया जी, चैनल से लग रहे हैं आप? भैया जी चैनल से? सुनाई नहीं पड़ रहा, बोलो क्या? भैया जी चैनल से लग रहे हैं आप? भैया जी चैनल से? भैया जी चैनल? भैया जी हैं आप? भैया जी हैं आप? भैया जी चैनल? जी सर। चौधरी साहब आओ इधर आओ। चौधरी, चौधरी साहब कहाँ जा रहे हो इतनी जल्दी? घर जा रहा है, घर जा रहे हैं। अभी तो बैठे चकल्लस कर रहे थे, मुँह खोले सब एकदम बने लिफाफा। कौन भैया जी? आपका चैनल आता है भैया जी? हाँ भैया जी चैनल। हाँ बेटा चैनल, कैसे हो? है? हो रही है गुजर बसर? बिल्कुल ठीक हो? हाँ जी, न्यूज 18 पे आप आते हैं, हम आपका प्रोग्राम देखते हैं रेगुलर। बाबूजी नमस्ते। 7 बजे और 5 बजे आता है, वो भी देखते हैं। अजय उनका भी देखते हैं, देवगन जी का? अजय देवगन आर पार, आर पार जरूर देखते हैं। हाँ। हम भी देखते आप कल इटावा में थे, कल मैंने देखा था इटावा में आप। हाँ मैं इटावा में, इटावा में थे आप? डेली देखे वो, आज हम मुझे सामने देख लिया मैंने। क्या काम करते हो? टीवी देखते हो? टीवी देखते चैनल देखते समाचार सब देखते हैं हम लोग। चलो भाई चलो चलने बाबू जी, नमस्ते। थैंक यू बाबू जी, नमस्कार। ध्यान रखिएगा अपना, ध्यान रखिएगा बाबू जी, ध्यान रखिएगा अपना। जय हो, जय हो।